ओके सो भाई लोग के सो गाइस लेकर आ चुके एक और न्यू वायरल रील्स एडिटिंग जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर है और कुछ इसी टाइप का सॉन्ग का इफेक्ट आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप इस तरह का एडिटिंग कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से। सो गाइस इस एडिटिंग को करने के लिए आप लोग को ज़रूरत होगी प्ले स्टोर गाइस। ओके प्ले स्टोर में हम लोग यूज़ करेंगे एक रेसिपी तैयार करेंगे जैसे कि प्रीक्वेल और एक चम्मच प्रीक्वेल और एक चम्मच VN एडिटर गाइस। ओके सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रीक्वेल एप्लीकेशन को, ये प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। सो गाइस इसे इंस्टॉल कर लीजिए और मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसी टाइप का लोगो है इसका आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोग को प्ले स्टोर से VN एडिटर गाइस सिंपली VN एडिटर लिख देंगे तो आप लोगों को इस टाइप की एप्लीकेशन मिल जाए करेगी, इसे इंस्टॉल कर लीजिए गाइस। और उसके बाद चलिए चलते हैं हमारी प्रीक्वेल एप्लीकेशन में गाइस। ओके सो इंटरनेट को ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को प्रीक्वेल एप्लीकेशन को ऑन करना है और कुछ इसी टाइप का एप्लीकेशन का इंटरफेस है गाइस और उसके बाद ऑन हो जाता है प्रीक्वेल और उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग का वीडियो फुटेज है जो उसे इंपोर्ट कर देना है। सो गाइस कुछ इसी टाइप का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था, आप लोग चाहो तो सुबह के टाइम पर या फिर शाम के इवनिंग के टाइम में आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। सर्च आइकन पे गाइस क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सर्च आइकन गाइस कोने में मिलता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से लिखना है आपको IND और सेकेंड में जो इफेक्ट आता है उसके ऊपर क्लिक करना है गाइस IND किड और कुछ इस टाइप का इफेक्ट गाइस देख सकते हो आप लोग का स्काई चेंज हो चुका है और बहुत ही ऑसम लग रही है वीडियो। और उसके बाद का इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, सो सिंपली आप लोग सर्च आइकन पे क्लिक कीजिए और इस पे लिख दीजिए STE और कुछ इस टाइप के इफेक्ट आ जाता है। सो स्टीलर इस इफेक्ट का नाम है, सो इसको रख देना है सेकंड में और कुछ इसी टाइप का स्काई आप लोग का बन के तैयार हो जाएगा और कुछ एडजस्टमेंट हल्का सा करनी है, स्केल को हल्का सा इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है आप लोग रख सकते हो और मुझे इतने में ही अच्छा लग रहा है तो हम लोग इसे ही रखने देते हैं। सो उसके बाद आप लोग को डन का आइकन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो डन हो जाएगी और उसके बाद आप लोग 2 को ट्राई कर सकते हो या फिर अच्छी जो इफेक्ट लगे, मुझे तो 1 अच्छी लगा तो आप लोग को 1 पर ही रखिए। सो एडजस्टमेंट अपने मुताबिक कीजिएगा और मैंने इधर उधर करके जैसे कि कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर रखा है, आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिए एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग को एक्सपोर्ट कर देना है, ऊपर में एक्सपोर्ट का आइकन बना हुआ है, 100 होने के बाद एक्सपोर्ट हो जाता है गाइस, तो 100 होने के बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा और सेव वीडियो पे क्लिक कीजिए, सेव टू गैलरी पे सेव हो जाएगी। और उसके बाद फिर से आप लोग को प्रीक्वेल एप्लीकेशन को ही ऑन करना है गाइस। सो प्रीक्वेल एप्लीकेशन ऑन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और एक सॉन का जो वीडियो है ना उसको आप लोग को रिकॉर्ड कर देना है, कुछ इसी टाइप की सॉन जैसे में है आप लोग को, आपको लिख देना है STE। और गाइज नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का होना चाहिए उस वीडियो में सन होना चाहिए, जैसे कि सन को मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, सन का अकॉर्डिंग मैंने वीडियो ले रखा है इंस्टाग्राम से, सो देख सकते हो हमारे सन भी है यहाँ पर बड़ा सा और कुछ इसी टाइप का इफेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। सो STE स्टीलर इस इफेक्ट का नाम है, सर्च करके आप लोग रख लीजिएगा और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ माइनस की ओर ले रहा हूँ इंटेंस को और स्केल को हम लोग रखेंगे प्लस की ओर 70-80 या फिर 80-90-95 की ओर रखेंगे। ओके सो फिल्टर को आप लोग को अपने मुताबिक रख सकते हो, सो यहाँ से मैं रख रहा हूँ 38 अकॉर्डिंग, सो इसके लिए हम लोग डन कर ले जाए गाइज। इफेक्ट का नाम है स्टीलर गाइज, आप लोग याद रखिएगा इस इफेक्ट को 1 पे रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं इफेक्ट को, सो 100 होने के बाद गाइज एक्सपोर्ट हो जाती है वो भी सिंपल में। सो गाइज सिंपली हम लोग सेव वीडियो कर देंगे, नीचे में लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सेव टू गैलरी हो जाएगी और यहाँ से डन कर देंगे। और चलते हैं हम लोग VN एडिटर में गाइज, VN एडिटर में चलते हैं, फाइनल स्टेप हमारी होने वाली है तो VN एडिटर में चलते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं गाइज। आप लोग को फास्ट जो वीडियो जो आपने एडिटिंग की थी ना प्रीक्वेल में उसको आप लोग को ऐड करना है। सो फास्ट वीडियो गाइज आप लोग को जो एडिटिंग की थी तो वो वाला वीडियो को आप लोग को ऐड कर देना है,
सो इसी टाइप का वीडियो आप लोग का होगा, तो आप लोग को ब्लैक पेज मिलेगा। इस ब्लैक पेज को आप लोग को डिलीट कर दीजिएगा, प्लस आइकन पे गाइस क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आपने अभी तक जो वीडियो एडिटिंग की थी ना, तो उसे ऐड कर देनी है। जो आप लोग आप है जो वीडियो में सन का बड़ा का सन और सूरज है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। ओके उसके बाद आप लोग का वीडियो का वॉल्यूम को लो कर देना है, और उसके बाद गाइज देख ही सकते हो हमारी वीडियो आ चुका है। और उसके बाद आप लोग को म्यूजिक गाइज ऐड करना है, म्यूजिक आइकन पे क्लिक करना है। गाइज म्यूजिक आइकन बना हुआ है, फर्स्ट में आप लोग म्यूजिक आइकन के ऊपर टैप कीजिए, म्यूजिक पर टैप कीजिए, और उसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है, एक्स्ट्रा फ्रॉम वीडियो पर टैप कर लीजिए। और वायरल वीडियो का जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में या फिर गूगल ड्राइव में आप सब जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से चूज कर लेते हैं म्यूजिक को, या फिर मैं डायरेक्ट म्यूजिक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप सब जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो म्यूजिक के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो में रखेंगे। सो गाइस म्यूजिक के अकॉर्डिंग रखने के लिए आप लोग को सबसे पहले म्यूजिक पे टैप करना है, बीट पे जाना है। सो बीट यहाँ से प्ले करके गाइस बीट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से दिल जहाँ से बोलेगा आप सब वहाँ से बीट लगा देना है। जैसे कि आप लोग व्हाइट झंडे पे क्लिक करोगे या फिर रेड बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग का बीट लग जाता है। सो सिंपली हम लोग यहाँ से बीट देख सकते हो, मेरे 2.38 के आसपास लगेगा बीट। ओके सो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो। सो उसी बीट के पास जाकर हम लोग वीडियो को स्प्लिट करेंगे, यानी कि वीडियो को रखेंगे फर्स्ट वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी बीट के बाद आएगा। ओके सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसी बीट के अकॉर्डिंग बीट को वीडियो को रखेंगे फर्स्ट वीडियो को। सो सिंपली हम लोग वीडियो पे क्लिक करके स्क्रॉल करके ले आएंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो अलग संग के बाद आएगा, जैसे कि दिल बोलकर आएगा। सो उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को स्लोमो कर देना है, क्योंकि म्यूजिक हमारी वहाँ पर और भी है ना, तो उस हम लोग म्यूजिक को स्लो वीडियो को स्लो मोशन कर लेंगे। सो वीडियो स्लो मोशन हो चुकी है, तो और भी ज़्यादा स्लो मोशन करने के लिए आप लोग फिर से वीडियो पे टैप करना है। फिर से आप लोग को वीडियो पे टैप करना है, स्पीड पे टैप करना है, आप लोग का वीडियो स्लो मोशन हो जाएगी। सो स्पीड पे टैप करेंगे और यहाँ से स्लो मोशन और कर देंगे, तो स्लो मोशन हो जाएगी। और एंड में जाकर हम लोग म्यूजिक के अकॉर्डिंग इस वीडियो को रख लेंगे, तो आप लोग को म्यूजिक के अकॉर्डिंग वीडियो को स्प्लिट करके रख देना है। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट करके यहाँ से नेक्स्ट पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से एक एनिमेशन गाइस ऐड करेंगे, जो कि है आप लोगों का पसंदीदा एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ से सेकंड वीडियो पे टैप करेंगे, यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से जूम इन गाइस यूज़ करेंगे। ओके सो यहाँ से डन कर देंगे, और गाइस म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी। गाइस ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर वीडियो क्रिएट किया कीजिए, आप लोग का रील्स वायरल होने का चांस बढ़ जाता है, और इसके ऊपर कम ही रील्स बने हैं। कल मैंने देखा था 1000 लोग को क्रिएट कर चुके हैं रील्स, और ट्रेंडिंग साइन इसके ऊपर अभी भी है। गाइस इसके ऊपर रील्स क्रिएट किया कीजिए, आप लोग का रील्स वायरल होने का चांस बढ़ जाएगा। और वीडियो आप लोग कैसे लगे जरूर से जरूर कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और मिलते हैं सही वायरल एडिटिंग में। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं सही वायरल एडिटिंग।